नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3D मैक्स के अंदर सनराइज टू सनसेट एनिमेशन और उसका वीडियो रेंडर करना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए साथ में बने बेल आइकन को, ताकि आप टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट्स को देखे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं 3D मैक्स। वैसे ये जो एनिमेशन है ये आप 3D मैक्स के किसी भी एडिशन के अंदर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने मैक्स 2016 ही यूज करना है। लेटेस्ट या ओल्ड वर्जन के अंदर भी ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लेने वाले हैं प्लेन, जो कि राइट हैंड साइड में इस क्रिएट पैनल के अंदर शो करेगा। इस ग्राफ के रिगार्डिंग हमने इस प्लेन को क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद साथ में बना हुआ है टी पॉट का एक बटन, टी पॉट क्रिएट कर देंगे। यह है मूव टूल, जो कि सिलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मूव के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इस व्यू क्यूब के ज़रिए हम अपने व्यू को रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सन की, के सन कहाँ से क्रिएट होएगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट के अंदर सिस्टम्स में, और इसमें यूज़ करेंगे डेलाइट। डेलाइट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डेलाइट एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक जनरेट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आपको करना है यस। इसके बाद कहीं पे भी किसी भी एरिए के अंदर सबसे पहले क्रिएट होएगा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्लिक रिलीज करने के बाद यहाँ पर स्काई, मिस्टर स्काई क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आपने करना है यस। तो इसके बाद हाइट डिक्लेयर आपने करनी है कि कितनी हाइट शो होनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में आप इस कमांड पैनल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम एंड लोकेशन की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। नीचे है गेट लोकेशन, तो इसके अंदर चले जाते हैं। अभी यहाँ पे शो कर रहा है नॉर्थ अमेरिका, मैं रहता हूँ एशिया के अंदर, तो मैं एशिया को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं अपने शहर की ही लोकेशन ले लेता हूँ, यहाँ पर कोलकाता इंडिया। ओके, तो ये मेरा टाइम जोन है। इसके बाद आवर्स की बात करें तो मैं इसमें स्टार्टिंग करूंगा सुबह 5 बजे की। तो 5 बजे सन की डायरेक्शन जो है वो इस व्यू क्यूब के जरिए हम देख रहे हैं कि अभी ये जमीन से नीचे है इस सन की डायरेक्शन। और इसमें मैं इस सन को मूव होते हुए शाम के 7 बजे तक का एनिमेशन बनाने वाला हूं। तो इसके लिए नीचे यहाँ पे ये जो 100 की लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी टाइमलाइन है जिसके थ्रू हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। लेकिन बता दूं कि इसका जो आउटपुट है वो क्रिएट होता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड में, यानी कि ये सिर्फ 3 सेकंड से थोड़ा सा ही ज़्यादा का एनिमेशन क्रिएट करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि फ्रेम्स इसमें थोड़े से और इनक्रीज हो, तो इसके लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं टाइम कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें एंड टाइमिंग मुझे लेनी होगी कम से कम 10 सेकंड्स के अकॉर्डिंग 300 फ्रेम्स, देन ओके। तो 300 के अकॉर्डिंग अब मेरा जो एनिमेशन है वो 10 सेकंड तक चलेगा। तो वापस आ जाते हैं इस टाइम जोन के अंदर। अभी मंथ चल रहा है 21 जून 2019, यानी कि आने वाले टाइम का इसमें सेट करने वाले हैं एनवायरनमेंट। प्रेस करेंगे ऑटो की पर और उसके बाद इस रूलर को हम मूव कर देंगे, और शाम के 7 बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं टाइम डाल दूंगा 19 आवर्स। तो अब मूव करके देखते हैं, सन मूव हो रहा है सुबह 5 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे तक का। सो एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं सन की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे ऑटो की मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सन का ये टाइम जोन वाला एनिमेशन ही क्रिएट करना था। अब हम आ चुके हैं मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई में आ रहा है मिस्टर सन एंड मिस्टर स्काई। मिस्टर सन के ज़रिए ही ये सन हमारा इन्वायरमेंट में शो करेगा और MR स्काई के ज़रिए ही स्काई पोर्टल स्काई इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है। बट इसके अंदर एक और सेटिंग की रिक्वायरमेंट है। बट उससे पहले मैं आपको रेंडर दिखा देता हूँ। बट अभी जो मेरा व्यू है वो सुटेबल नहीं है, कहीं पे भी मूव हो सकता है, तो ये रिस्क है मेरे वीडियो रेंडर के लिए। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं शिफ्ट F से सेफ फ्रेम क्रिएट करूँगा। सेफ फ्रेम उतना ही एरिया दिखाता है जो कि आपके रेंडर पे शो करने वाला है। इसके बाद मैं एक कैमरा क्रिएट करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पे व्यू सही सेट कर लेता हूँ। ये सही व्यू है। कंट्रोल सी जो कि फिजिकल कैमरा क्रिएट कर देगा, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद रेंडर के लिए जाते हैं इस क्विक ऑप्शंस के अंदर, जिसमें यहाँ पे मिलेगा आपको रेंडर प्रोडक्शन। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन है वो काफ़ी हद तक विजिबल हो रहा है। मैं चाहता हूँ इस हॉरिजॉन को और नीचे करना, तो इसके लिए मुझे सन को सिलेक्ट करना होगा और मॉडिफाई में इस लिस्ट में नीचे जाऊंगा, यहाँ पे शो करेगा हॉरिजॉन। इस हॉरिजॉन में मैं हाइट कर देता हूँ -2 और ब्लर कर देता हूँ 2, और फिर रेंडर करके देखते हैं। तो अब जो हॉरिजॉन है वो काफ़ी बॉटम में शो कर रहा है, लेकिन इस रेंडर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इनसाइड यहाँ पर अभी ग्लो दिखाई दे रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमें रेंडर सेटिंग में 2-sided फेसेस ऑफ करना पड़ेगा। तो रेंडर सेटअप में चले जाते हैं, फेस 2-sided ऑन कर देंगे और फिर रेंडर निकालेंगे। तो जहाँ से सन की लाइट क्रॉस हो रही थी वो अब पूरी तरीके से फिल हो चुका है, यानी कि इनसाइड अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वीडियो रेंडर की, क्योंकि कैमरा भी सेट हो चुका है और एनिमेशन भी क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं रेंडर सेटअप में। इसमें सबसे पहले ऊपर आएगा एक्टिव टाइम सेगमेंट, जिसे हम कर देंगे 0 to 300। बट अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल 100 से लेकर 200 तक का एनिमेशन आपने रेंडर करना है, तो उस तरीके से आप रेंज के अकॉर्डिंग भी वो रेंडर निकाल सकते हो। ये इसलिए करा जाता है कि अगर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा है, एनिमेशन की ड्यूरेशन ज़्यादा है और आपको एक बारी में रेंडर निकालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप चाहते हो कि कुछ टाइम बाद सेकेंड रेंडर निकाले या थर्ड रेंडर निकाले, या सिस्टम शटडाउन होने का ज़्यादा रिस्क है, तो हम टाइम टू टाइम कुछ फ्रेम्स का यूज़ करके ही छोटे छोटे रेंडर्स निकाल सकते हैं और बाद में किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उन सभी रेंडर्स को आपस में कंपोज कर देंगे। बट अगर आप एक ही बारी में रेंडर निकाल सकते हो तो यहाँ पे एक्टिव टाइम सेगमेंट 0 to 300 तक रखेंगे। इसके बाद जाते हैं नीचे, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी यानी कि रेंडर क्वालिटी सेट कर देंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर आ रहा है रेंडर आउटपुट। रेंडर आउटपुट यानी कि आपको अपने रेंडर को पहले ही सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं चले जाता हूँ और इसमें मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सनराइज टू सनसेट। फॉर्मेट लेंगे AVI, देन सेव।
इसके बाद यहाँ पे टाइप यूज करना है डीवी वीडियो इनकोडर, देन ओके, और फिर रेंडर। तो ये सुबह 5 बजे से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। तो समय बचाने के लिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि आपको फाइनल आउटपुट जल्दी दिखाई दे। तो दोस्तों वीडियो रेंडर अब निकल चुका है, क्लोज कर देते हैं इस लास्ट प्रीव्यू को और इस रेंडर सेटअप को भी। फाइल को मैं मिनिमाइज कर देता हूं और मैंने डेस्कटॉप पे इस फाइल की लोकेशन रखी थी तो यहां पे मैं देखूंगा इस वीडियो को चला के। इसको लूप मैंने रखा हुआ है ताकि एक बारी और इस एनिमेशन को रिपीट होते हुए मैं देख सकूं। सो ये सनराइज, दोपहर और ये सनसेट। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और भूलिएगा मत कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।